हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हॉय चैनल। जी हम आ गए हैं और हमने गाना भी नहीं गाया है क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। हम मार्केट से आए हैं, आपको तो पता है जी आई हुई है, तो थोड़ा जो काम है इसलिए बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, इसलिए हीलिंग भी देने का टाइम नहीं है। देखिए बहुत रात हो गया है, फिर हमको लगा कि आप लोग सोचेंगे कि क्या ही बकवास फालतू की वीडियोस आई हैं, लेकिन जो काम का था वो तो रीडिंग करा ही नहीं। देखिए बोलने वाले बोलेंगे, आप लोगों में से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं लेकिन सारे अच्छे लोग नहीं हैं, आपको भी पता है। तो कुछ लोग ऐसा हमको दुख दे सकते हैं और उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें मतलब सुनना पड़े, इसलिए हम आ ही गए हैं और इसलिए हमने सोचा कि रीडिंग कर देते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एनर्जीज आएगी वो हम आपको बताएंगे, जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत थोपिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, किसी की भी एनर्जीज आ सकती है, जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और जो आपने कुछ कुछ वो हमने आपको जो सुबह एक वीडियो अपलोड किया है ना, तो वो जाके देख लीजिएगा, तो उसमें कुछ Q&A का बोला है, क्योंकि देखिए हमने शुरुआत ही जो यूट्यूब चैनल की थी वो व्लॉगिंग से की थी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है इसमें पूरा बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप बताइएगा, लिख के भेज दीजिएगा, तो जिया और हम जो है Q&A करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं आपकी। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। जी तो अब देखते हैं क्या रहा है रीडिंग में, ठीक है। इस्तेमाल कर रहे हैं द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस वाला टैरोट डेक, जिसकी भी एनर्जीज आएंगी वो हम आपको बताएंगे। वैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, जिया के साथ ही Q&A का सेशन रखेंगे, आपके सवालों के जवाब। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अवश्य बताइएगा, ठीक है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में घुस के क्या ही करना है, प्रश्न भी थोड़े ऐसे हों कि मतलब इंसान जवाब दे सके, नहीं आपको नहीं लगता है? यस, जी आप बैठी हैं यहाँ पे, तो वो कह रही है फन क्वेश्चन होने चाहिए, फन क्वेश्चन हैं, तो जवाब देने लायक होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे फन क्वेश्चंस देखे भी हमने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा जवाब देने में। वैसे एक बात बताइए, ये कार्ड्स काहे नहीं आ रहे हैं? बहुत ही छुपा रुस्तम वाली एनर्जीज हैं, किसकी हैं ये, आपकी हैं किसी और की हैं? एक भी कार्ड नहीं आया, बताइए। ये डेक हम रख रहे हैं, ठीक है, हम दूसरा ही डेक ले रहे हैं, ये वाला डेक है, डंडा पकड़ने वाला ये ऐसा दिखता है जो राइट वेट का, ठीक है। कार्ड फ्लिप हुआ था, 10 of cups, घर गृहस्थी में बिजी हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये आया है पहला कार्ड ही, 3 of swords, खंजर घोंपे गए हैं। 4 of wands, भाई शादी से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्या हो गया, क्या हो रहा है ये, किसी का घर संसार में कुछ प्रॉब्लम्स है। 4 of pentacles भी है 4 of wands के बाद, कोई किसी को छोड़ने में बड़ी परेशानी महसूस कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहता है कोई किसी ने, को बहुत ही दिल से किसी ने किसी को लगा के रखा है, पकड़ के रखा है, जाने नहीं देना चाहते हैं, रिलीज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द जजमेंट टाइम। और ये इम्पॉसिबल भी है, आप कितना भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि जजमेंट का टाइम है। देखिए जजमेंट तो भाई है ही, उसका जब जब वक्त आना है वो तो होके ही रहेगा, उसका क्या ही कर सकते हैं आप। 2 of wands है, अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं,
क्या ही बोले हम आपको कि वेट करिए, पेशेंस रखिए, फ़ायदा नहीं है। कितना ही पेशेंस रख लेंगे आप, जाहिर सी बात है कितना ही पेशेंस रख लेंगे आप। देखते हैं क्या है क्यों है ये हुआ बॉन्ड्स भाई। और कितनी लताड़ चाहिए किसी को, ये एस ऑफ सोर्ड्स है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या ही बताएं हम आपको। कोई ना आपको मूव ऑन करने दे रहा है, कोई ना खुद मूव ऑन कर रहा है, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। डिसेप्टिव एनर्जीज हैं किसी की। हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अरे किस चीज़ का वेट कराया जा रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा। टू ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप समझ रहे हैं, वेट, वेटिंग मोड पे कोई पर्सन खुद भी है और किसी को करा भी रहा है। ये तो गलत बात है ना यार, गलत बात है। जो है नहीं है, किसी को क्लियर कट बोल दो यार, किसी को स्टक रखने की क्या ज़रूरत है। एक किसी की प्राणी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं जो आपकी है, किसी और की लग रही है वैसे तो, जो आपको मूव ऑन नहीं होने दे रहे हैं। हर बार जैसे ही आप मूव ऑन होने का सोचते हैं, धड़ाम से इनका मैसेज आ जाता होगा। जैसे ही आप सोचते होंगे इनको कांटेक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई ना कोई। टेन ऑफ पेंटिकल्स है, एक ग्रोथ की तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं, जिसकी भी एनर्जीज आई हैं, आप इससे जुड़े हुए कोई हो सकते हैं। ये इंसान इस वक्त अपने फाइनेंसिस को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लेके भाग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका फाइनेंसिस को लेके भाग जाएगा। बहुत ही डिफेंसिव और प्रोटेक्शन की मोड में है। एस ऑफ सोर्ड्स भी आया था, एस ऑफ कप्स भी आया था, फूल भी आया है, और फोर ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे एस ऑफ कप्स है। तो इसका मतलब यह है कि सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर भाई। किसी ने किसी सोलमेट ने तो किसी सोलमेट ने किसी सोलमेट का दिल तोड़ दिया है। आप ही का दिल तोड़ा होगा, आप ही का दिल यहाँ पे छीला गया लगता है। ठीक है, पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके कर्मा ही है, एक तरह से आपके कर्मा है बेसिकली जो रीडिंग देख रहे हैं। यानी आपका पिछले जन्म में इनके साथ जो भी रिलेशनशिप रहा है ना, उसका फल आपको मिल रहा है। तो ये पेनफुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने पिछले जन्म में इनका दिल छीला था ना, तो इस जन्म में ये आपका दिल छीन रहे हैं और ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं। देखिए पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ बहुत ही तगड़ा वाला कनेक्शन रहा है। हमको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि ऐसा कनेक्शन बड़ा दुख देता है ना, तो क्या ही करना है ऐसे कनेक्शन का। ये देख लीजिए टेन ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही आपको लगता होगा ना कभी कभार कि आपको, नाइन ऑफ सोर्ड्स, वैसे हम ये कार्ड इमेजिन कर रहे थे, भगवान कसम हम इमेजिन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ना हमको ऐसा लगा जैसे, देखिए कुछ छुपने छुपाने का तो है नहीं, क्या ही छुपाएं हम आपसे। ये हमको अपनी रीडिंग लगी थी थोड़ी सी, चार पांच रातों से हम सोए नहीं हैं, चार पांच नहीं, छः सात रातों से। आप लोगों को दिख भी जाता होगा रीडिंग में, लगातार छः सात रातों से कोई ठीक से सोया नहीं है, क्या ही रीडिंग। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। एक बात बताइए, मूव ऑन करने की बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। सोलमेट है ना, आप लोगों को पता है, इसलिए आप मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं। आप लोग इस पर्सन को जाने ही नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, दिखाई दे रहा है वो उनको। बहुत ही पकड़ के, कस के पकड़ रखा है। आप कितना भी सोचते होंगे ना आप मूव ऑन कर लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, सोचते होंगे कि हम इनको छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वापस से वहीं जाके फिर से चिपक जाते होंगे, वापस से वहीं जाके फिर से याद आ जाती होगी कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रिगर करती होंगी, बहुत हर्ट करती होंगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला पर्सन जिसकी एनर्जी आ रही है ना, वो काफ़ी मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। मिस्टीरियस मतलब इनकी एनर्जीज बहुत ही अप डाउन, ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब एक आपको ठीक से, आपको एक नतीजे पर किसी पर्टिकुलर
आउटकम पे ये पर्टिकुलर पर्सन पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं। बहुत मिस्टीरियस वाइब्स है जिसकी भी एनर्जीज है। कम्युनिकेशन तो देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करनी है भी और की भी होगी हाल फिलहाल में, लेकिन जो आप जानना चाहते हैं वो नहीं बताया होगा। कुछ भी ऐसी रैंडम से कुछ बोल, मतलब ठीक से आपको समझ नहीं आया होगा कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, कुछ बताने की कोशिश इन्होंने, आपने सोचा होगा कि कुछ कम्युनिकेशन आया है, थोड़ा बहुत बात करेंगे, कुछ पता चलेगा, लेकिन वैसी एनर्जीज है नहीं। मतलब आपको ना ठीक से एक नतीजे पे आप पहुँचे नहीं किसी आउटकम पर, उल्टा और स्टक हो गए, ऐसा हुआ होगा। ये कार्ड आ ही गया है, ये लास्ट कार्ड है जो हमने लिया है, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स के बाद है। जैसा कि हम पूरा मामला देख रहे हैं दोस्तों, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वंड्स एंड फोर ऑफ कप्स, तो फोर ऑफ सोर्ड्स नहीं है, बाकी सारे हैं। इलेवन इलेवन देखा हमने, आपका सोल में ट्विन फ्लेम है ये, ठीक है। पूरी देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की बहुत दिली इच्छा है इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक बहुत पोटेंशियल लाइफ आप इस पर्सन के साथ देखते हैं, आगे की ज़िंदगी बिताने का सोचते हैं। लेकिन आपके सोचने से क्या होता है, कभी ये सोचा है आपने, आपके सोचने से क्या होता है? देखिए क्या किया हमने, दोनों हाथ ऐसे करके मोकिया, तब जाके देखिए ताली बजी है। तो दोनों हाथ ऐसे करके, दो लोग मिलेंगे तो दो लोगों का रियूनियन ऐसे करके, एक एक जना ऐसे करके खड़ा रहेगा, एक जना ऐसे करके खड़ा रहेगा, क्या ही जाके आप इसके पीठ पे जाके, समझ रहे हैं हमको क्या बताना है? नहीं होगा ना, एक जगह एक एक की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, कोई कोऑपरेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आप ही लगाए जा रहे हैं, कितना नाक रगड़ेंगे अपना है कितना, और कितना दिल छिलवाएंगे अपना इस पर्टिकुलर प्राणी से, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, इसलिए आप देखिए नाक रगड़ने की बात नहीं है। हमको जैसा मामला दिख रहा है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, इमोशंस इस पर्सन में नहीं है। आप अपनी जान भी दे देंगे ना इस पर्सन पे, कोई असर नहीं होगा, नहीं होगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल है, ठीक है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, सिक्स ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है, मतलब है इमोशंस है, लेकिन देखिए ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है। एक एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड मतलब एक पैसों का बहुत, पैसों की भूख बहुत है इस पर्सन में। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ना एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करनी है। ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड करें, एक रॉयल स्टेटस, राजा महाराजाओं वाला शहनशाही सत्ता इनकी हो, ऐसी एनर्जीज है इस पर्सन। एम्परर वाली वाइब्स है, एम्परर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन एम्परर कोई यहाँ पर बहुत बनना चाहता है। और ये पर्सन एक तरह से हमें इस पर्सन की एनर्जी इसमें सिर्फ वेटिंग वेटिंग लग रही है, बस वेट कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम, यहाँ पे नहीं आया, कुछ बताना नहीं चाहते। हमने बोला ना हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कम्युनिक और एस ऑफ स्टिक सोर्ड्स के नीचे आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो कम्युनिकेशन अगर हुई भी होगी ना तो आपको क्लियर कट आउटकम कुछ मिला नहीं होगा। हाँ ना ना हाँ, मे बी, माइट बी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मतलब एक अजीब सा आउटकम मिला होगा, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। उल्टा अगर आए भी होंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन में छोड़ के ये पर्सन निकल गए होंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। हम एक दूसरे डेक से कार्ड लेते हैं। इस पर्सन की देखिए ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स बहुत है, इस पर्टिकुलर पर्सन की ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स बहुत है। कि कहने से मतलब है, होता है ना इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, अपने परिवार के भी, अपने परिवार से रिलेटेड भी बहुत सारे सपने होंगे। जैसे कि इनके माँ बाप होंगे, इनके इनकी फैमिली होगी, तो उनको ये बहुत अच्छा सा एक स्टेटस देना चाहते हैं, एक शाही लिविंग देना चाहते हैं, जीवन देना चाहते हैं इनके अपने भाई बहनों को, ठीक है। बहुत सारे
सपने अपने फैमिली के ये पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज हमको इधर लग रही है। लेकिन जो आप कहाँ हैं, प्रायोरिटी में आप नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप है ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस पर्सन के जीवन में। ठीक है, ये है ना, ये इसलिए कम्युनिकेशन हुआ होगा आपका हाल फिलहाल में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर तो आपका कम्युनिकेशन हुआ है। जो दूसरा डेक लिया है वहाँ से ये कार्ड आ गया है, और जब हम शफल कर रहे थे तो शुरुआत में ये टेन ऑफ कप्स आया था। हमने आपको बोला ना इमोशंस यहाँ पे बहुत है, लेकिन मिस्टीरियस है कोई, और ये इमोशंस हमको ना ज़्यादातर आप ही के लग रहे हैं। सेंसिटिव है ना आपका दिल, तो ऑलरेडी छिला जा चुका है। तो टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये दिखाई दिया हमको जस्ट, अब तो इसको देख के भी खुशी नहीं होती। आप लोग रिएक्शन देखने के लिए बैठे रहते हैं, हमको खुशी होती ही नहीं है, तुम क्या ही रिएक्शन दें, इसका आ नहीं रहा ना हमारे जीवन में। एक डेढ़ साल हो गया है, एक डेढ़ साल से बस इतनी खुशी खुशी कर करके भगवान के सामने बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि चलो जस्टिस आ रहा है जीवन में, नहीं आ रहा है, नहीं होता है। ये देखिए इमोशन, हमने बोला ही था क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है आप लोग बहुत ही नर्चरिंग हैं, तभी तो आपका फ़ायदा भर भर के आपका एडवांटेज बहुत दिया गया है। ठीक है, आपने हमने बोला कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत बहुत दिया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाई दिया था हमको दोबारा से, दूसरे डक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले का, राइडर वेट का ही, लेकिन हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाई दिया था। जजमेंट आया है, ये जस्टिस भी आया है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तीनों कार्ड एक ही बार में एक ही रीडिंग में हमको दिख गए, लेकिन इस बार हमको सच बता रहे हैं खुशी नहीं हुई है। जो 6-7 रातों से सोया नहीं हो उसको क्या ही खुशी। इमोशनल हो जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगता है रीडिंग करते टाइम। अच्छा है जी या नहीं है, यहाँ पे उठ के चली गई है रीडिंग के टाइम पे, हमको ये सब अच्छा ही नहीं लगता है। ये मैजिशियन का कार्ड आया है, ये पर्टिकुलर पर्सन जिसकी भी एनर्जी से ये बस आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपने जीवन में। एक एडवांस मैनिपुलेटर की एनर्जी है इनको, जब आपको आपकी जब इनको ज़रूरत महसूस होती होगी ये पर्सन आ जाते होंगे, अपना काम निकलवा के फिर से निकल जाते होंगे, ऐसी एनर्जीज है मैनिपुलेटिव एनर्जीज। तो मैनिफेस्ट भी उसी हिसाब से करते हैं कि बस ये चीज़ उस प्राणी से मिल जाए, काम हो जाता है, फिर अपने रास्ते चले जाते होंगे, ऐसी एनर्जीज है। सेवन ऑफ वांड्स यहाँ से भी कन्फर्मेशन है, दो अलग अलग डेक से। हाई प्रिस्टेस भी दिखाई दिया था हमें, आ चुका है पहले ही। एस ऑफ कप्स भी दिखाई दिया था, आ चुका है। ये कार्ड आया है अब की बार, ये रिपीटेड है दो अलग अलग डेक से। हमको बस इतना कहना है कब तक चलेगा ऐसे, कब तक ये संघर्ष चलेगा, भगवान जी से ही बता दीजिए, भगवान जी आप ही बता दीजिए ये जीवन ऐसे कब तक चलेगा, मतलब कब तक ये पोजिशन में, कब तक हम लोग ऐसे ही अपने आप से लड़ते रहेंगे, लेट गो ना कर पाना, मूव ऑन ना कर पाना, बार बार एक ही लूप में फंस जाना, और ये जस्टिस और जजमेंट के नाम पे हम लोगों को उल्लू बनाना, आप कब बंद करेंगे। टू ऑफ कप्स फिर से आया है, यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स आया था। तो भाई लोग ये तो आपका सोलमेट है, इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन ही है, ये यूँ मान लीजिए। कॉर्ड कटिंग के बिना इनका आपसे निपटारा, आपका इनसे छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। और ये है नाइन ऑफ कप्स, ये कार्ड हमको तीसरी या चौथी बार अपना थोबड़ा दिखाया है और फाइनली आ गया है। कप्स के कार्ड बहुत है, इमोशंस बहुत है, ज़्यादातर आपकी तरफ से है, सामने वाले तरफ से इमोशनलेस हो रहा है सामने वाला पर्सन। ठीक है, मौका परस्त है, जब जब लगता होगा तब तक आ जाते होंगे, आपको छील के निकल जाते होंगे, आप लगातार छिलवाए जा रहे हैं अपने आप को। क्या बोले हम, क्या बोले, जो खुद भुक्त होगी वो क्या ही एडवाइस देगा आपको, देखिए जो है वो है।
हमसे ना वो दिखावा होता नहीं है दूसरों दूसरे टैरो रीडर्स की तरह कि ये है वो है ऐसा करो ऐसा करो। भाई जो चीज़ हम खुद नहीं अमल कर पाते वो हम आपको थोड़ी बोलेंगे आप करिए, ये दोगलापंथी हमसे होता ही नहीं है। इसलिए हम बोलते ना हम हील नहीं हैं, हील नहीं है, और पता नहीं कभी होंगे कि नहीं। आप लोग बोलते अपने आप को कर्स मत कीजिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स उस डेक में भी आया था और ये बॉटम ऑफ द डेक में इसमें टेन ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, इस पर्सन में इमोशंस की कमी है, पैसा 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 पैसा, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ धन कमाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, और आप नहीं दिखाई दिए हमको। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस रीडिंग में आपकी कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दी, सिर्फ इनके इनके फैमिली की जितनी वैल्यू है, जितनी प्रायोरिटी अपने परिवार को देते हैं, आपका दूर दूर तक कोई वो नहीं था, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई वजूद आपका हमें दिखाई नहीं दिया। तो जो नहीं दिखाई दिया हम क्यों आप लोगों से झूठ बोलें कि आपकी बहुत वैल्यू करते हैं ये पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जजमेंट जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून तो दिखाई दिया ही है, तो पास्ट लाइफ के साथ पास्ट लाइफ का आपका इनके साथ बहुत अच्छा वाला एक कनेक्शन रहा है, इसलिए आपको इतनी तकलीफ होती है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और क्या ही बोले, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट हाँ। तो बस यही था, ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है। और टैरो क्लासेस से रिलेटेड जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वैसे हमें लगता नहीं हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे टैरो क्लासेस क्योंकि एंट्रीज नहीं आया है, ठीक है, एनरोलमेंट नहीं आई है, तो शायद जिनका एनरोलमेंट आया है हम उनको रिफंड करें, लगता नहीं है फिफ्थ बैच स्टार्ट हो पाएगा, खैर जो भी है। और टैरो रीडिंग्स वो ओपन है, वो उसके लिए आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं, वो ओपन है, और वो भी देख लीजिएगा 48 आवर्स के अंदर ही हम डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही।